को, समाज को, धरती पर, धरती पर जल जीवन हरियाली को बचाने, जल जीवन हरियाली। 19 जनवरी को बिहार में बनने वाली मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रित करने में पूरा सरकारी अमला जुटा हुआ है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर बनने वाली इस मानव श्रृंखला की सफलता सुनिश्चित करने को लेकर बड़े से बड़े लोग हर एक व्यक्ति से अनुरोध करने में लगे हुए हैं कि वो भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला में शामिल हों और ये स्पष्ट करें कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर वो भी संकल्पित हैं। इसी कड़ी में अरवल के कुर्था प्रखंड मुख्यालय में एक अनुरोध सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक सत्यदेव कुशवाहा ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मानव श्रृंखला बनाकर जल जीवन हरियाली बचाने के उद्देश्य से पूरे बिहार में एकता का परिचय देना है और जल को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने हैं। उन्होंने बीते साल जो हालात बने थे उन्हें याद करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण ही भविष्य में हमारे जीवित रहने का एकमात्र उपाय है। इस अनुरोध सभा में पहुंचे जिलाधिकारी रविशंकर चौधरी ने बीते वर्ष के हालात को याद किया और लोगों से अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से बीते वर्ष कुर्था के बंसी प्रखंड में पानी के लिए हाहाकार मच गया था। अगर वो फिर से इस तरह की परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते तो वो जल जीवन हरियाली अभियान के साथ जुड़ें और जलवायु और पर्यावरण संकट से जूझ रही इस दुनिया को आगे का रास्ता दिखाएं। इस समस्या से अपने देश और राज्य जो काफ़ी हद तक प्रभावित हो चुका है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल को अपना समर्थन दें और इसके साझेदार आ जाना है 10 बजे और सब कोई वहाँ पर सारी तैयारी कर लेना है। 11:30 से 12 बजे तक वहाँ पर खड़ा रहना है। मानव श्रृंखला बना करके पूरे बिहार में यह संदेश जाएगा और इसका वीडियोग्राफी हो रहा है, ऊपर से फोटोग्राफी होगा, इसलिए कहीं टूटना नहीं चाहिए। अगर टूटेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ टूट गया। इसलिए ये बात है कि सब जगह वीडियोग्राफी हो रहा है, फोटोग्राफी हो रहा है। इसलिए आप लोगों से यह अनुरोध है, इस अनुरोध सभा में मैं जिला प्रशासन की ओर से, पूरे बिहार सरकार की ओर से आपसे अनुरोध करने आए हैं कि इस समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं उसको दूर करने के लिए और इस समाज को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए आप 19 जनवरी को 10 बजे सभी लोग निकल जाएं और एकजुटता प्रदर्शित करें कि हम इन कुरीतियों के खिलाफ हैं, हम जल को बचाने के लिए एकजुट हैं, हम 1,50,000 करोड़ रुपया से सरकार इस काम को कर रही है और आपके जिले में भी ये सारा काम होगा, सभी जितने जल स्रोत हैं सबको बचाया जाएगा। और मैं ये बताता हूँ कि गर्मी के दिनों में खास करके बंसी में, कुर्था में हमको बराबर फोन आता था कि ये खत्म हो गया, पानी चला गया, हम सब जगह जाते थे, टैंकर भिजवाते थे, क्यों ऐसा नहीं नौबत आएगा, क्यों ऐसा होगा। हम अपने आप को उस ढंग से अपने आप को बना लेंगे। 1.9% ही बन है अरवल में, हमको इसको बढ़ा करके कम से कम बिहार का जो औसत है 17% करना है। तो हम लोगों को ये सारे अभियान चला जा सके और याद ला सके और जीवन पुनः, आप लोगों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और इस सभा में आए इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और अग्रिम आप लोगों को मैं आज ही धन्यवाद दे रहा हूँ कि उस दिन आप लोग आ जाइएगा ना, सबको घर से अगल बगल टोला मोहल्ला सबको लगेगा और आइएगा, यह आह्वान है। जल जीवन हरियाली अभियान से जुड़े इस अनुरोध सभा की शुरुआत पर्यावरण को बचाने के संकल्प के साथ हुआ। इस दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां की सरकार इस समस्या को लेकर गंभीर और सजग है। हमें नई पीढ़ी को ऐसा बिहार सौंपना है जहां जल जीवन हरियाली हो, ऐसा बिहार जो नशा मुक्त हो, ऐसा बिहार जहाँ दहेज कुप्रथा ना हो, बच्चों को कम उम्र में शादी न करनी पड़ती हो और इस तरह के तमाम कुरीतियों से मुक्त हो। लोगों को जागरूक करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने 19 जनवरी को पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया है ताकि पूरे विश्व में इसका संदेश जाए
कि जल जीवन हरियाली को लेकर बिहार के लोग कितने सजग और संकल्पित हैं। साथ ही अपने इलाके में पौधा लगाने की पहल भी करें, जिसका सकारात्मक असर पड़ेगा और पर्यावरण संतुलन बनाने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। अरवल के कुर्था प्रखंड मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविका, आशा जीविका दीदी और गांव कस्बे से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आपको एक बार फिर से बता दें कि 19 जनवरी को 11:30 से 12 बजे तक मानव श्रृंखला का कार्यक्रम निर्धारित है। इस दौरान आप भी अपने क्षेत्र में हाथ से हाथ पकड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करें और विश्व कीर्तिमान स्थापित करें। बिहार पहले भी मानव श्रृंखला में विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुका है, और जब मुद्दा पर्यावरण संरक्षण का हो तो और भी बड़ा रिकॉर्ड बनना चाहिए। इस मौके पर ASP अयोध्या से SDO किरण सिन्हा, शिक्षा विभाग के सुनीता भारती, प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार, अंचलाधिकारी मनोज कुमार, आंगनबाड़ी सेविका जीविका दीदी, मानिकपुर पंचायत के मुखिया मनोज कुमार और शिक्षक दिलीप कुमार समेत बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली। सभी ने संकल्प लिया कि वो पर्यावरण संरक्षण में अपनी हिस्सेदारी जरूर अहम तरीके से निभाएंगे। अरवल से जहानाबाद न्यूज़ के लिए रविकांत की रिपोर्ट। बिहारवासी बहुत गौरवशाली है, भाग्यशाली है कि नीतीश कुमार जी साहब अद्भुत मुख्यमंत्री बिहार की जनता को मिले। दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, दुनिया में धरती से जल बहुत नीचे चला जा रहा है। दुनिया में एकमात्र जिस व्यक्ति नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने ध्यान दिया कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जल का स्तर पूरे दुनिया में नीचे जा रहा है, पूरे दुनिया में पहला व्यक्ति नीतीश कुमार जी हुए जो पूरे दुनिया को इस ओर ध्यान आकर्षित करवाया। वृक्षारोपण जरूरी है। जब वृक्षारोपण होगा, वृक्ष लगेंगे तो वर्षा होगी तो जल का संचय होगा तो एक दुनिया में जीवन बचेगा। इसलिए आप सोचते होंगे कि जब हम सड़क अच्छे खड़ा हों, बहुत बड़ा दायित्व है, कर्तव्य है आपका भविष्य के लिए इसीलिए दुनिया में संचय करने वाला है। यहाँ आने के लिए आप सड़क खड़े होते आधा घंटा के लिए, 11:30 से 12 बजे तक आप 11:30 सड़क खड़े होते चली आइए। जितनी भी बातें मुझसे बोल के वक्ताओं ने कही, नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन, दहेज प्रथा और अभी जो सबसे बड़ी बड़ी समस्या है, जब मनुष्य ही नहीं रहेगा तो इनमें से कोई समस्याएं ही नहीं रहेगी। इसलिए जरूरी है कि जीवन बचाया जाए। और अभी मैंने देखा था कि जब कला जत्था के लोग गीत गा रहे थे, दहेजवा के कैसे चलनवा हो रहा, बहुत सी महिलाएं रो रही थी, आंखों में आंसू थे और बहुत से पुरुष भी बहुत भाव विवल थे। लेकिन आज ये समय आ गया है कि यदि आप सच में चाहते हैं कि बेटियों को सम्मानपूर्वक दुल्हन बनाया जाए और यदि आप चाहते हैं कि बेटियां सम्मान के साथ जिए, तो आज ही वो समय है जो इस सर्वोच्च सभा से हम लोग आपके सामने अपील कर रहे हैं कि अपनी आवाज हाथों में हाथ जोड़ने के रूप में आइए और ये लोगों तक संदेश पहुंचाइए। जीव अगर कोई है तो आदमी है, तो आदमी होने के नाते हमारी बीमारियां बढ़ जाती हैं। अगर हम एक चाहते हैं कि पृथ्वी का अस्तित्व बना रहे तो इस धरती पे जल भी बना रहे। जब हमारे इस धरती पे जल रहेगा तभी जीवन भी होगा और हरियाली भी होगा। तो इसलिए हमें जल को बचाना है। साथ ही हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नशा मुक्ति, इन सभी को हमें समाज से खत्म करना है। उन्हीं चीज़ों को खत्म करने के लिए, साथ ही जल जीवन हरियाली को बढ़ावा देने के लिए आप सभी लोगों से अपील है कि 19 जनवरी को सभी लोग जो आपका निर्धारित रूट है उस रूट पर आए, साथ ही अपना उसमें महत्वपूर्ण योगदान दें और इस बिहार
में जो हमारा ये जल जीवन हरियाली योजना चल रहा है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति तथा बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन अभियान का समर्थन करता हूँ तथा संकल्प लेता हूँ कि 19 जनवरी 2020 को प्रस्तावित मानव श्रृंखला में भाग लेकर समाज को धरती पर जल जीवन हरियाली को बचाने नशा मुक्त समाज बनाने तथा बाल विवाह एवं दहेज रूपी कुरूतियों के उन्मूलन के इस सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बनूंगा। Yeah!
हो रहा